ओएसडी नियुक्ति विवाद पर बंगाल के गवर्नर की सफाई आई है। राजभवन का कोई ओएसडी मेरा रिश्तेदार नहीं, राजभवन की तरफ से ये सफाई आई है और गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि कोई ओएसडी मेरा रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नियुक्त ओएसडी 3 राज्यों और 4 जाति के हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के आरोप जो लगे हैं वो गलत है। जगदीप धनखड़ ने इस बात की सफाई दी और कहा कि बंगाल हिंसा से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है टीएमसी की तरफ से और इसीलिए इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तापस सेन गुप्ता न्यूज डिस्ट्रिक्ट संवाददाता और जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। तापस बताइए। जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच कभी भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अब जबकि राज्यपाल ने मुख्य सचिव को आज 11 बजे बुलाया है, पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है, तभी तृणमूल के कई सारे नेता उन पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं और खासकर महुआ मोइत्रा ने कल एक ट्वीट करते हुए उन पर निशाना साधा, उन्हें अंकल जी कहकर उन्हें संबोधित किया और ये आरोप लगाया कि उनकी जो ओएसडी है यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वो ज्यादातर उनके परिवार के सदस्य हैं। इसके बाद गवर्नर ने आज तुरंत उसका जवाब देते हुए सोशल मीडिया में साफ तौर पे लिखा कि उनके जो 3 ओएसडी है वो 3 अलग अलग राज्यों से आते हैं और उनके परिवार के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है। आप लिहाजा जो स्थिति तृणमूल और गवर्नर के बीच पिछले 2-2.5 सालों से हमें देखने को मिला है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये काफी गंभीर आरोप जो महुआ मोइत्रा की तरफ से लगाया गया था। गवर्नर ने बताया था, ये भी साफ कर दिया कि इन बातों को सामने लाकर कहीं ना कहीं जो असल मुद्दा है उससे नजर घुमाने की एक कोशिश तृणमूल कांग्रेस ठीक है। महुआ मोइत्रा ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब गवर्नर जगदीप धनखड़ की तरफ से दिया गया और सीधे तौर पर कहा गया कि मेरे जो ओएसडी है वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और ये आरोप महुआ मोइत्रा की तरफ से लगाया गया था। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, बड़ी नेता हैं और आपको बता दें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राज्य के हालात को काफी चिंताजनक करार दिया। राज्यपाल ने चुनाव खत्म होने के बाद से सूबे में जारी हिंसा के कुछ वीडियोज जारी करके कानून व्यवस्था की खराब होती हालत पर कड़ी टिप्पणी भी की। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी हासिल करने के लिए बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है। जवान बेटे की मौत ने इस पिता का कलेजा छलनी कर दिया है। परिवार के हर सदस्य पर दुख का पहाड़ टूटा है। बेटे के गम में मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें बैरकपुर के भाटापाड़ा इलाके की हैं, जहां रविवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई। इन तस्वीरों को सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। राज्यपाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा ने 25 साल के एक और युवक की जान ले ली। भाटपाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में कोयला डिपो मोड़ के पास करीब 3:30 बजे हुए कायराना बम के हमले में उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अभी जबकि बंगाल जल रहा है तब मुझे पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से इसकी रोकथाम के लिए कोई कोशिश होते हुए नजर नहीं आ रही है। राज्य की कानून व्यवस्था को निशाना बनाते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्विटर हैंडल से पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की 3 वीडियो जारी किए हैं। अपने एक और ट्वीट में राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था को बेहद चिंताजनक करार दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा है, कानून व्यवस्था की बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, सुरक्षा के माहौल के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है। ऐसी मुश्किल स्थिति में मैंने मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था के हालात और चुनाव बाद हुई हिंसा पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 7 जून को बुलाया है। अपने ट्वीट के साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने 2 पेज का एक संदेश भी जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने लिखा है, जिन लोगों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया वो टारगेट वायलेंस से पीड़ित है। राज्य चुनाव बाद अप्रत्याशित तरीके से शुरू हुई बदले की हिंसा की चपेट में है। लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगातार तोड़फोड़ और अराजकता से बड़े पैमाने पर आगजनी, लूट और संपत्तियों को नुकसान हुआ है। अराजक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पहले भी कड़वाहट की खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में अब जबकि राज्यपाल ने अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर सरकार पर सीधा निशाना साधा है, ऐसे में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच की कड़वाहट के और तेज होने की आशंका बन गई है। टीम न्यूज़ नेशन।
और देखिए आज देखना होगा सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव राज्यपाल को क्या रिपोर्ट देते हैं, नजर रहेगी।